नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अब इंडिया का जो टीम है ना वो जिम्बाब्वे की सीरीज पे जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में बहुत अच्छे ढंग से मुकाबला होने वाला है और इंडिया आपको मालूम है भैया T20 वर्ल्ड कप जीत करके आ रही है और बहुत सारे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं इस बार बाहर कर दिया गया है। जैसे कि बहुत सारे मतलब जितने भी T20 वर्ल्ड कप में खेले थे ना सारे बंदे, वो एक भी बंदा इस मैच में आपको खेलता हुआ नहीं दिखेगा। सारे के सारे न्यू प्लेयर ऐड किया गया है इस मुकाबला में, ठीक है। तो पूरे प्लेयर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन बंदा खेलेगा, कौन कौन बंदा नहीं खेलेगा, सारा कुछ, और जिम्बाब्वे के जितने के चांसेस या फिर इंडिया के, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, पिच रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ। और हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली अब संन्यास ले चुके हैं T20 वर्ल्ड कप से, तो उनके लिए तो भैया एक मतलब एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं, यहाँ पे समझते हैं मैच कब है। तो ये भैया मैच होने वाला है 6 जुलाई को 4:30 बजे शाम को, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट T20 होने वाला है जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में, जिम्बाब्वे के टूर पे गई हुई है इंडिया की टीम। अब यहाँ पर देखोगे ना तो किस ग्राउंड पे मुकाबला है, हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में ये मुकाबला होने वाला है। और इस पिच जो यहाँ पर खेला जाना है ना भाई, तो वहां पर पिच रिपोर्ट किस तरह से रहने वाला है, वेदर रिपोर्ट एकदम क्लियर है, कोई बारिश की संभावना नहीं है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर लास्ट जो 3 मुकाबला खेला गया था जिम्बाब्वे के बीच पे, हरारे के बीच पे, ठीक है, तो वहां पर क्या क्या कहानी आपको देखने को मिला था। तो जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में खेला गया था, जिम्बाब्वे की टीम 140 बनाई थी, आयरलैंड 141 बना करके चेस कर गई। अब यहाँ पर पेसर को फर्स्ट इनिंग्स में 4 विकेट मिला था, सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट मिला था, और स्पिनर को 2 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट। फिर यहाँ पर जिम्बाब्वे 165, आयरलैंड फिर से चेस बना करके यहाँ पर चेस कर गया, 4 विकेट यहाँ पर पेसर को और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट, और स्पिनर को यहाँ पर फिर से विकेट नहीं है। तो भैया एक चीज समझ के चलना कि यहाँ पर स्पिनर का बोलबाला नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है पेसर विकेट निकाल करके जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, तो 12 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में पेसर को मिला है और 16 विकेट सेकंड इनिंग में मिला है, और स्पिनर को मात्र 7 विकेट फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग्स में 3 ही विकेट मिला है। तो एक चीज आप समझ लेना कि यहाँ पर ज्यादा विकेट किसको मिलता है, पेसर को मिलता है, तो पेसर को अपने टीम में लेके जाना है और बेनिफिट आपके लिए रहेगा। फर्स्ट इनिंग्स में 19 विकेट गिरा है, सेकंड इनिंग्स में भी 19 विकेट गिरा है लास्ट के 3 मुकाबला में, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ मैटर यहाँ पर नहीं कर रहा है। टोटल यहाँ पर 41 मुकाबला खेला गया है, पहले जो बैटिंग करती है टीम वो 23 मुकाबला जीती है, जो बाद में बैटिंग करती है टीम वो 18 मुकाबला जीती है, और वेन्यू यहाँ पर अभी तक एक भी मुकाबला ड्रॉ रहा है, 172 यहाँ पर एवरेज स्कोर आपको बनता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं कि मेरे हर वीडियो में गिव अवे रहता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट में हैशटैग आपको ZIM vs IND जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, वैसे ही आपको लिख देना है हमारे कमेंट सेक्शन में। 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 200 रुपए दूंगा, वीडियो देख करके आप 200 कमा सकते हो। पहला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा रन इस मैच में कौन बनाएगा, उसका नाम लिखे। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा विकेट कौन निकालेगा इस मैच में, उसका नाम लिखे। बहुत सारे दिग्गज प्लेयर खेल रहे हैं भाई। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर हेड टू हेड मुकाबला यहाँ पर देखोगे ना तो 8 मुकाबला हुआ है, जिसे 2 मुकाबला जिम्बाब्वे और इंडिया का 6 मुकाबला जीत चुके हैं, और जीतने के चांसेस मेरे हिसाब से यहाँ पर इंडिया की टीम के ही रहने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है। अब टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जल्दी जाकर के टेलीग्राम जैसे ज्वाइन हो जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है, और रोजाना हम लोग वीडियो देते हैं भैया सारे मैचेस के। अब जिम्बाब्वे के बारे में बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम है ना कंटिन्यूअसली अभी 5 मुकाबला बांग्लादेश की टीम से खेल के आ रही थी, और 4 मुकाबला रिसेंट हारी है और 1 मुकाबला जीत करके आ रही थी। सारा स्टैट्स में डिस्कस करूंगा प्लेइंग 11 के साथ। अब एक चीज ध्यान रखना, ब्रायन बेनेट है ना, अब थोड़ा प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं जिम्बाब्वे का, पहले जिम्बाब्वे डिस्कस करेंगे फिर इंडिया डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे की जो टीम है ना, यहाँ पर ब्रायन बेनेट से कभी कभी ओपनिंग करा रही है, कभी कभी यहाँ पर इनको 3 नंबर पे भेज दिया जा रहा है, कभी 5 नंबर पे आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान लेके चलना। वेस्ले मेदवेरे बहुत दिनों के बाद T20 में इनके वापसी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान लेके चलना, किसको किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो सारा कुछ अभी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ा प्लेइंग 11 आप देख लो, कैप्टन सिकंदर आजा को करते हुए दिखेंगे, तदिवांश मरुमानी जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, यहाँ पे ब्रायन बेनेट के साथ सिकंदर आजा आएंगे, फिर जुनाथ कैंपबेल लाएंगे, वेस्ले मेदवेरे, मिल्टन सुम्बा, क्लाइव मदांदे, वेलिंगटन मासाकाजा, ल्यूक जोंबी, ब्लेसिंग मुजरमानी और रिचर्ड नगारवा, तो ये सारे बंदे आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। अब मैं एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बात करता हूँ, और मेरा जो स्टैट्स लिखने का तरीका है मैं पूरा स्टैट्स देता हूँ भाई, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरा यही प्रयास रहता है कि आप खुद से टीम बनाना सीख जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भैया, तो यहाँ पर बंदे का फोटो हो गया, बंदे का नाम हो गया, यहाँ पर जो मैंने इनके बैटिंग स्टाइल है वो मैंने लिख दिया है, हिट टू हिट रिकॉर्ड मतलब इंडिया के खिलाफ इनका क्या रिकॉर्ड रहा है T20 में वो मैंने लिख दिया है, पूरे T20 फॉर्मेट में इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, इस ग्राउंड पे क्या रिकॉर्ड रहा है वो, रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा है वो, और अभी तक जो T20 में भी खेला है ना बंदे इंटरनेशनल में वो क्या परफॉर्मेंस किया है, जो बांग्लादेश से भी खेल के आ रहा है, ठीक है। अब चलो डिस्कस करते हैं, अब इसके बाद मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि किसको ट्राई करना है और किसको ट्राई नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इतने सारे स्टार्ट्स मुझे बोलने में भैया 50 मिनट का वीडियो बनेगा, तो मुझे वो नहीं करना है, 10-15 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं
25 का एवरेज इनका ब्रायन बेनेट का, बंदा अच्छा खेल रहा है, अभी 70 रन 2 विकेट और 2 विकेट बनाया भी है, ठीक है। अभी जो रिसेंट खेला है ना उसको 2-2 विकेट भी निकाला है, हालांकि स्टार्टिंग के मैचेस में बॉलिंग नहीं कर रहा था, बट लास्ट के 2 मैचेस से बॉलिंग कर रहा है, विकेट भी निकाल रहा है और प्लस 70 रन भी बनाया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं तदिवांसे मरुमानी, 12 का एवरेज है, ज्यादा कुछ खास नहीं बनेगा, इनको अपने टीम से ड्रॉप ही करके चलना तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब सिकंदर राजा का ऊपर एक चीज मैं बताऊंगा, आप इनको सोच रहे हो कि बैट्समैन है, भैया बैट्समैन तो है बट इन कमजोर टीम के खिलाफ चलता है, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, नामीबिया की टीम हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, उसके खिलाफ बहुत अच्छा खासा खेलता है, लेकिन भैया अब इंडिया से इनको खेलना है ना तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करेगा, आप इनसे बॉलिंग से ही ज्यादा उम्मीद रखना, हालांकि अगर आप चाहते हो ट्राई करना तो करना, बट ना मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ खास रहेगा। बांग्लादेश के खिलाफ ही बंदा कुछ खास नहीं कर पाया, एक मैच में सिर्फ 72 रन बनाया, उसके अलावा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 25 का एवरेज, हालांकि इंडिया के खिलाफ 14 का एवरेज 5 मैच में इनका लेकर के चल रहा है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहेगा, हालांकि विकेट थोड़ा देख लेते हैं, 5 मैच में सिर्फ एक ही विकेट है इनका इंडिया के खिलाफ, ठीक है। जोनाथन कैंपबेल आते हैं यहाँ पे, 35 का एवरेज है, ये बंदा ठीक ठाक खेल रहा है, बट इंडिया के टीम के सामने जहां बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और सारे के सारे जो भी नए बंदे आए ना इंडिया के, वो आपको विकेट छटकाते हुए दिखेंगे, बिकॉज क्यों भैया, अब हम कोच बन गए गौतम गंभीर, अब वो लोग सारे के सारे दिखाने का प्रयास करेंगे कि भैया हमसे बेटर कोई नहीं है, हमसे बेटर कोई नहीं है, तो रेस बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, तो ये थोड़ा ध्यान लेके चलना, ठीक है। वेस्ले मध्यवर्या आते हैं, 20 का एवरेज है इनका, 60 मैच 13 विकेट है, इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा और बहुत दिनों से मैच भी नहीं खेल रहा है। उसके बाद आते हैं मिल्टन सुंबा, 30 मैच में 34 का एवरेज मेंटेन रखा है भाई, अच्छा खासा परफॉर्मेंस, अभी रिसेंट जिसमें भी खेला है ना, 56 बनाया, 27 बनाया, 42 बनाया, 1 बनाया, 27 बनाया, अच्छा खासा, ये बंदा विकेट भी निकालता है और थोड़ा बहुत बैटिंग भी करना जानता है, तो मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपके लिए करता हुआ दिख जाएगा। तो यहां से अगर किसी को ट्राई करना है तो ब्रायन बेनेट और मिल्टन सुंबा, यही में से किसी ना किसी को ट्राई करके जाना, अभी बॉलर इनके भी डिस्कस करेंगे, इनके बॉलर जबरदस्त हैं। उसके बाद आते हैं कलाई मदांदे, कुछ खास नहीं बनने वाला ये। ब्लेसिंग मुजरवानी आते हैं, 51 मैच में 60 विकेट है, बंदा बहुत तगड़ा वाला है, कोई भी मैच आपको नहीं दिखेगा जिसमें इनको विकेट नहीं मिला हो, एक आधी मैच आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 2-2 विकेट, फिर 0, फिर 1, 0, 3, 1, 2, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस करता दिखेगा, एक मैच में 1 विकेट है, इंपॉर्टेंट बनेगा लेके जाना। रिजल्ट नगारवा आते हैं, 52 मैच में 62 विकेट है इनका, और भी ज्यादा अच्छा खासा स्टैट्स है, और यहाँ पर भी देखोगे ना यहाँ पर भी बंदा विकेट निकाल रहा है, एक मैच खेला इंडिया खेला और एक विकेट भी निकाला, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा भाई। उसके बाद आते हैं वेलिंगटन आशा काब्जा, आपने इनका देखो 50 मैच में 40 विकेट है, अच्छा खासा स्टैट्स, और यहाँ पर भी देखोगे तो 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 34 रन, अच्छा खासा यहाँ पर भी यही खेल रहा है, बट उतना कुछ खास नहीं बनेगा, आप इनसे ज्यादा बैटिंग से उम्मीद कर सकते हो, बॉलिंग से ज्यादा उम्मीद मत करना। उसके बाद लिव जोंगबी, आप इनका देख लो 63 मैच में 65 विकेट है, भैया इसका मुंह देख रहे हो यार ऐसे करके रखा है, अब यहाँ पे देखोगे तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा मुझे देखने को मिल रहा है, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 25 रन 2 विकेट, तो आप अपने टीम में लेकर जा सकते हो, बंदा अच्छा खासा पिक बन सकता है, बट उतना कुछ खास नहीं है कि सामने इंडिया टीम को भी पछाड़ जा पाए, तो ठीक है इनको हम लोग नहीं रखेंगे, लेकर के किसको किसको जाएंगे, ब्लेसिंग मुजरवानी को लेकर जाएंगे और एक रिजल्ट नगारवा को लेकर जाएंगे, ठीक है, ये दो बंदा तो मेरे टीम में रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद सारे बेंच के प्लेयर आते हैं, जैसे फराज अकरम आते हैं, टेंडाई चटारा आता है, इनोसेंट किया आता है, ब्रैंडन मोबट्टा आता है, डियोन मेयर्स आते हैं, एंटोन नकवी आते हैं, बहुत सारे प्लेयर इनके स्क्वाड में थे, मैंने सारे था जो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो दूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, भाई मेरा यही काम है, ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। बाकी यहां से तो ये सारे बंदे कोई खेल नहीं रहे जिम्बाब्वे की तरफ से। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रही है टीम, भैया जीत 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 देख रहे हो, यहाँ से जो जीत चालू हुआ है ना, यहाँ से जो जीत चालू हुआ है, अभी कंटिन्यूअसली टीम जीतती हुई आ रही है, मतलब इनका देखते हैं अब हार का जो सिलसिला है चालू होता है या नहीं होता है, भगवान ने करे चालू हो, अब देखते हैं यहाँ पर भी जीत का सिलसिला बरकरार रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। अब इस मैच में सुमन गिल आपको कैप्टेंसी करते हुए दिखेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अब प्लेइंग 11 किस तरह से देखना, बिकॉज सारे के सारे बंदे नए आए हैं, ठीक है, अब किसको कहां पर खिलाया जा सकता है ये कहना बहुत मुश्किल है, बट मैं जो लेकर के आया हूं उस हिसाब से देख लेना। तो यहां पर देखोगे तो सुमन गिल कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड़, अब देखो ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने मौका दिया, हो सकता है अभिषेक शर्मा खेले, और अभिषेक शर्मा अगर खेल गए ना तो भैया अंडर देखो जो अभिषेक शर्मा है ना उनके कोच है युवराज सिंह के पिताजी, तो भैया वो बहुत तगड़ा वाला खेलेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेलता है तो फिर 100% अभिषेक शर्मा खेलेगा, और अभिषेक शर्मा खेलेगा तो फोड़ देगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। साई सुदर्शन मुझे लगता है कि थर्ड नंबर पे है, या फिर अगर ये भी कर सकती है टीम कि ऋतुराज गायकवाड़ से इनको ओपनिंग करा लिया जाए, अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पे भेज दिया जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, बिकॉज वो ओपनर बल्लेबाज है, साई सुदर्शन होगा, फिर रियान पराग को भी मैंने मौका दिया है, फिर ध्रुव जुरेल आएंगे, देखो संजू सैमसन को भी ट्रिब्यून पे ऐड कर दिया गया, बट इस स्क्वाड में मैंने चेक किया था तो संजू सैमसन का नाम नहीं था, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। रिंकू सिंह आएंगे, फिर वाशिंगटन सुंदर आएंगे, रवि बिश्नोई आएंगे, अवेश खान आएंगे, मुकेश कुमार आएंगे, फिर खलील अहमद आएंगे, तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने 3 के 3 बॉलर फास्टर रखा है, 2 मैंने स्पिनर रखा है, इसलिए कि भैया यहाँ पर फास्टर को सपोर्ट है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखे चलना मेरे, हालांकि जितने भी इनके स्क्वाड में प्लेयर है मैं सारे के स्टैट्स दिखाऊंगा, ठीक है।
सुमन गिल 25 का एवरेज, बहुत तगड़ा वाला, और जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छा खासा खेलेगा। तो ध्यान रखना, हालांकि अभी रिसेंट देखोगे तो कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन T20 के फॉर्मेट में बंदा अच्छा खासा आपको खेलता हुआ दिख सकता है, खास करके जिम्बाब्वे के खिलाफ। अब ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं, तो इनका थोड़ा देख लो, 35 का एवरेज है, बंदा अच्छा खासा, और सारे के सारे जो बंदे भी नए आए ना, अपना परफॉर्मेंस दिखाने का बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रयास करेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी बंदा उस रेस में आएगा। साई सुदर्शन मुझे लगता है ओके ओके थोड़ा परफॉर्मेंस करेगा, मुझे लगता है कि अगर इनका बैटिंग भी आएगा तो हार्ड हिटिंग करने के चक्कर में बंदा अपना विकेट फेंक सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। रियान पराग मेरा फेवरेट प्लेयर है, और मैंने आपको जब भी आईपीएल से खेल रहा हूँ तब तब मैं आपको बताया हूँ भाई कि ये बंदा कभी भी इंडिया में आएगा और वहां पर आकर के एकदम रॉक करेगा। तो ये बंदा अभी इनका टाइम आ चुका है, अब ये बंदा मतलब जडेजा का अब जगह यही लेने वाला है, तो ये देख लेना, बहुत तगड़ा वाला परफॉर्मेंस देगा, इंपॉर्टेंट भी है। ध्रुव जुड़ेल आते हैं, अब इनका देख लो भैया, अगर संजू सैमसन अगर खेलते हैं इस मैच में तो फिर तो इनका जगह कट जाएगा, अगर नहीं खेलते हैं तो फिर ध्रुव जुड़ेल ही खेलेंगे, और इनका बंदा का स्टैट्स वगैरह भी बहुत अच्छा खासा है, आप इनको ट्राई करके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिंकू सिंह, अब इनका बैटिंग आएगा ही नहीं भाई, ठीक है, बंदा बहुत तगड़ा वाला है बट इनका बैटिंग आएगा ही नहीं, 89 का एवरेज किसका चलता है भाई T20 इंटरनेशनल में, समझ रहे हो, 89 का एवरेज चल रहा है इनका, तो बंदा आएगा ही नहीं, इनका बैटिंग आने का चांसेस एकदम बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको अपने टीम से ड्रॉप ही करना, बिकॉज ज्यादा जिम्बाब्वे की टीम स्कोर करेगी नहीं, हालांकि पहले बैटिंग करती है टीम ना इंडिया की टीम, तो सोच विचार थोड़ा बहुत करेंगे, वरना ऐसे तो इनका चांस नहीं बनने वाला है। वाशिंगटन सुंदर आते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक आपको बॉलिंग करेगा, अब बहुत दिनों बाद भैया ये बैक कर रहा है इंडिया टीम में, 43 का मैचेस में 10 का एवरेज से हिसाब से 34 विकेट निकाला, मतलब ठीक ठाक है, ओके ओके है, और स्पिनर को यहाँ पर ज्यादा मदद है नहीं, तो इनको थोड़ा समझो ड्रॉप करके चलेंगे। रवि बिश्नोई आते हैं, ये बंदा बहुत ही तगड़ा वाला बॉलर है, मैंने आपको बोला था भाई कि जब भी मैं आते हैं नहीं रवि बिश्नोई, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि रवि बिश्नोई कैसे बॉलर थे, मैंने हरदीप सिंह के बारे में भी जब वो बंदा कुछ नहीं था ना तब मैंने बोला था भाई कि हरदीप सिंह बहुत तगड़ा बॉलर है और इंडिया की तरफ से वो कब करेगा, और इस बार T20 वर्ल्ड कप में भैया सबसे ज्यादा विकेट निकाला है, समझ रहे हो, तो बंदा बहुत तगड़ा वाला है, और उसी तरह से ये भी है एकदम, मतलब एकदम चमकने वाले प्लेयर है ये, इनको अपनी टीम में रखिए, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग डालता है। अवेश खान आते हैं, अब इनका देखो 20 मैच 19 विकेट है, अच्छा खासा ये भी बॉलिंग करना जानता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मुकेश कुमार, अब इनका देख लो बिहार के हैं और अपने ही बिहार के भैया, 14 मैच है 12 विकेट है, ये भी बंदा ठीक ठाक खेल लेता है, रिसेंट जितने भी मुकाबला खेला है इंडिया की तरफ से बंदा सारे मैच में अच्छा खासा विकेट भी निकाला है। नेक्स्ट आते हैं खलील अहमद, इनका भी चांस बनेगा और मेरे फेवरेट बॉलर है भाई, बहुत अच्छा खासा बॉलिंग डालते हैं, ठीक है, बट इनको जगह नहीं मिला था, देखते हैं क्या है, 14 मैच 13 विकेट है, इंपॉर्टेंट बनेगा, लेके जाओ। और इसका सारे बेल्स के प्लेयर आते हैं, जैसे कि अभिषेक शर्मा, जैसे कि चांसेस बन सकते हैं इनका ऋतुराज गायकवाड़ के प्लेस पे, तो ध्यान रखना, हो सकता है इनको खिलाया ही जाएगा भाई, परफॉर्मेंस लाजवाब इनका रहता है, जब भी खेलते हैं तगड़ा देते हैं। तुषार देशपांडे चेन्नई वाले प्लेयर आपको मालूम ही होगा, बंदा अभी तक इंटरनेशनल वगैरह मैचेस खेला नहीं है, अगर खेलेगा तो डेब्यू होगा इनका, कुछ खास उतना परफॉर्मेंस नहीं करेगा, पिटाता बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल, हालांकि विकेट निकालता है बट बहुत ज्यादा पिटाने का चांस रहता है। जिदेश शर्मा आते हैं, इनके चांसेस मुझे नहीं लगता कि खास बनेगा, अगर ध्रुव जुड़ेल खेल रहे हैं तो फिर इनका चांसेस बहुत कम है। हर्षित राणा बहुत तगड़े वाले बॉलर, और आने वाले टाइम में ये भी बंदा मतलब निखरेगा और बहुत अच्छा खासा ये बॉलर बनने वाला है, इंपॉर्टेंट बॉलर है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी करेगा। तो इनके स्क्वाड में जितने भी प्लेयर थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर मैच इसी तरह से आपको मैं कवर करता हुआ दिखने वाला हूँ। अब ये सारे बंदे सारे T20 वर्ल्ड कप वाले बंदे हैं, कोई खेलने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है, तो चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं भैया कि इनके टीम से किसको किसको आपको लेके जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो विकेट कीपिंग में तो संजू सैमसन अगर खेलते हैं तो फिर इन्हीं को ट्राई कर लो, बाकी यहाँ से अगर नहीं खेलते तो फिर ध्रुव जुड़ेल खेलेंगे और ध्रुव जुड़ेल को मेरी टीम में रहने वाले हैं, ठीक है। अब बैटिंग सेक्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखोगे ना तो सुमन गिल आपको 100% अपने टीम में रखिए, आप ओपनिंग करेगा, ये यशस्वी जायसवाल का भी नाम डाला गया है बट बंदा यहाँ पर इनके स्क्वाड मैंने जब चेक किया था ना इंडिया का तो उसमें बंदे का नाम नहीं था, तो थोड़ा ध्यान रखना, बंदा अगर खेलता है तो खेलता है, हालांकि खेलने के चांस इनके कम रहेंगे। फिर ऋतुराज गायकवाड़ है, आप इनको रखिए, बहुत तगड़ा वाला बंदा है, परफॉर्मेंस भी करेगा, अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेलेगा तो फिर अभिषेक शर्मा खेलेगा, मैंने बार बार बता रखा है आपको। बाकी यहाँ से मुझे रियान पराग का भी चांस, अगर नंबर 3 पे आते हैं तो फिर इंपॉर्टेंट बनेगा, 4 पे आएगा तो उतना नहीं। फिर सिकंदर राजा मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास रहेगा, हालांकि 92% सिलेक्शन है, एक आध दो विकेट निकालता हुआ दिख सकता है, और बैटिंग से ज्यादा उम्मीद मत करना आप इनसे, ठीक है। अभिषेक शर्मा अगर खेलता है तो ओपनिंग करेगा तो 4 आएगा, कैप्टन मेरी टीम का रहेगा। और शिवम दुबे देखते हैं भैया, नाम तो सारे बंदे का है बट यहाँ पर खेलने वाला नहीं हो, ठीक है। ब्रायन बेनेट है, ओपनिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, अच्छा खासा है, बस इंटर सुंदर स्पिनर को यहाँ पर मदद है नहीं। फिर यहाँ रवि बिश्नोई को मैं रखूंगा, बिकॉज जहां पर भी स्पिनर को विकेट भी नहीं मिलता है वहां पर ये बंदा विकेट निकाल लेता, तो थोड़ा ध्यान रहना। ब्लेसिंग मुजरवानी रहेंगे, अवेश खान को मैं रखूंगा, मुकेश कुमार को रखूंगा, रिजय नगरवा भी मेरी टीम में आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। जो भी चेंजेस वगैरह मैं करूंगा आपको टेलीग्राम बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आपको टेलीग्राम का जाकर ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए जो हमारी टीम है उसी अकॉर्डिंग मैंने बना दिया, मैंने मान के चला भाई अभिषेक शर्मा खेलेगा, मैंने मान के चला ये सस्वी जैसा का तो यहाँ पे नाम ही नहीं था भाई कहीं पे, सिकंदर राजा वगैरह आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो देख लो आप यही से मेरी हमारी टीम ये बन रही है। अब जो भी चेंजेस वगैरह करूंगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए मेरा ट्रिक और वीडियो के साथ।
तब तक ले धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, जय हिंद।